हिंदी व्याकरण वाटिका वन निकालिए। इसमें अध्याय दो हमारी वर्णमाला आप लोग सभी निकालिए। इस अध्याय को देखिए, चित्र में दिया हुआ है ओ। इसमें बच्चे के मुंह से निकला ओ ओ ओ और ह ध्वनियों से मिलकर बना है। ये ध्वनियां आवाजें ही वर्ण है। हिंदी में बहुत से वर्ण हैं, इन्हें मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन। तो हम लोगों को पहला ही पढ़ना है क्या, स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन दोनों मिलके आवाजें बनती हैं, मतलब ध्वनियां जो वर्ण है बनते हैं। तो शब्द बनने के लिए हम लोगों को इस स्वर और व्यंजन को सीखना बहुत ही जरूरत है। जैसे बच्चे के मुंह से पा, कोशिश हो रहा है कि पा के बाद क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पापा पा पा। पहले बच्चा का मुंह से क्या ध्वनियां निकला, आवाजें क्या निकला, पापा पा, साथ साथ पापा। ये जो पापा, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों से बनते हैं। कैसे, प प्लस आ प्लस प प्लस आ, पापा। ये प है व्यंजन और आ है स्वर, फिर प है व्यंजन, फिर आ है स्वर। तो आप लोग देख ही रहे हो, स्वर और व्यंजन से मिलके कोई भी शब्द बनते हैं। ध्वनिया जब भी आता है, आवाजें जब भी निकलते हैं, सही आवाज, सही ध्वनिया, सही शब्द उच्चारण करने के लिए हम लोगों स्वर और व्यंजन दोनों को मिलके उच्चारित होते हैं। इस कारण के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्वर को पढ़ना है, व्यंजन को पढ़ना है, दोनों के बारे में अच्छा से जानना है। ठीक है, तो आओ बच्चों हम लोग सब मिल के पढ़े इसको। स्वर, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, री ए आई ओ औ। ये 11 स्वर आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है और लिख के। ठीक है, व्यंजन, व्यंजन के बारे में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ क ख ग घ अंग, च छ ज झ इं, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ व भ म, य र ल व, स स स ह। इसके बाद छ त्र ज्ञ स। इसमें मैं जरा विस्तारित बोलने से क ख ग घ अंग, इसको क वर्ग बोला जाता है, और च छ ज झ ञ, इसको च वर्ग बोला जाता है, ये च वर्ग है। उसके बाद ट ठ ड ढ न, ये पांचों को ट वर्ग, त थ द ध न, ये त वर्ग, प फ ब भ म, प वर्ग। और ये जो देख रहे हो चार वर्ण को, व्यंजन वर्ण को, ये क्या है, छ च ज्ञ स, ये संयुक्त व्यंजन, मतलब दो व्यंजन से मिलकर बनता है।
इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। आप लोगों को इतना तो पढ़ना नहीं है, मैं जरा सा आप लोगों को समझाने के लिए इसको विस्तारित से जरा बहुत बताई, पर आप लोगों को असली क्या पढ़ना है, स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को इसको लिख के पढ़ना है। तो वर्ण का भाग कितना है, दो भाग है, ठीक है, एक है स्वर एक है व्यंजन। तो अभी मैं आप लोगों को इसको तो याद करना ही है, स्वर और व्यंजन को, और इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। वर्ण, वर्ण दो है, ठीक है, एक है स्वर स्वर, एक है व्यंजन। इन दोनों को अच्छा से आप लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्वर व्यंजन। आप लोग पेज 8 और 9 इस वर्णमाला को घर में अच्छा से पढ़िए, ठीक है बच्चों।